हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो आप सब स्टूडेंट हो, एमएससी के कुछ बीएससी के भी हो सकते हैं। तो आज जो क्लास में शेयर करने वाली हूँ ना, ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक टॉपिक शेयर करूँगी प्लस हैंड रिटन में शेयर करूँगी। ऐसा नहीं नेम शेयर कर दिया टॉपिक और आपको क्लास शेयर कर दी। हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाऊंगी कि कैसे नोट्स बनाने, एक तो उससे ही आइडिया हो जाएगा, प्लस उसमें डीपली टॉपिक को डिस्कशन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा इस पूरी क्लास के बाद कि इन रियलिटी पॉलीमर केमिस्ट्री का एक रिव्यू क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है, कौन से टॉपिक आपको करने, कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो वो कंप्लीट डिस्कशन मैं करूँगी कि सभी टॉपिक, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे मिलेंगे वो क्लास में बताऊँगी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं वो शेयर करूँगी, और पेपर में कौन से टॉपिक आते हैं, यानी कि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो वो ओवरऑल डिस्कशन होगा पॉलीमर केमिस्ट्री का। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट, विच इज़ वॉट इज़ पॉलीमर। वैसे तो पॉलीमर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है बच्चे, तो आप प्लेलिस्ट देखना, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे पॉलीमर की, तो वहाँ पे हर एक टॉपिक की ना आपको लॉन्ग में क्लास मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। बट अभी बात है कि अभी आपके एग्ज़ाम आ गए हैं तो टाइम आपके पास नहीं होगा। तो अगर टाइम आपके पास नहीं है तो ये एक क्विक रिवीजन मैं आपको कराने वाली हूँ उस क्लास में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये क्लासेस इस टाइप से आपको कहीं मिलेंगी भी नहीं, तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई क्लास नहीं मिल रही, आपके कोई डाउट है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों की हेल्प करने के लिए वर्क कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक देखो हमारा आ जाता है पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। अब जब हम पॉलीमर क्या होता है इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको पॉलीमर का ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग का मतलब है 15 मार्क का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसमें पहले पॉलीमर क्या होता है वो करेंगे, मैंने इस पर लॉन्ग पे क्लास में समझा रखा है तो देख लीजिएगा, वो समझाएंगे। देन पॉलीमर आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, दे एंड आपका एक नेचुरल पॉलीमर होता है, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये आपका शॉर्ट में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर की। देखो मोनोमर से पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर से एक बिग यूनिट जो बनती है उसे हम पॉलीमर बोल देते हैं। अब उस पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस है मोनोमर से, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीमराइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने कहा ना क्विक रिवीजन, तो हर एक टॉपिक को थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको समझाने की कोशिश भी करूँगी कि जब आप इस क्लास को एंड करो तो आपको ऐसे लगेगी इस क्लास के बाद जब आप तैयारी करोगे एग्ज़ाम की कि अरे मैम ने तो हमें क्विक रिवीजन दे दिया, हर एक टॉपिक की समरी टाइप मैंने आपको पढ़ा दी। तो आप सोच सकते हो जब आपको टॉपिक की समरी पता है तो आपको टॉपिक करना, वो सिलेबस करना कितना ज़्यादा इजी रहेगा। और क्लास कैसी लगी, अगर इस क्लास को सच में देखते हो समझने के लिए तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता देना, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन देखो, पॉलीमराइजेशन होता क्या है, मैंने बताया कि जो हाई मॉलिकुलर मास का मॉलिक्यूल बनता है मोनोमर से, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन में भी आपके टू स्टेप्स होते हैं, चेन रिएक्शन जिसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, एंड देन आपका होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये आपका लॉन्ग में है, इसमें प्रोपेगेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन स्टेप्स आएंगे, ठीक है। सेकंड इसमें स्टेप रिएक्शन हम बोल सकते हैं, या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हम इसे बोलते हैं। ये अलग से भी कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में तो अलग से भी क्वेश्चन आता है, और दोनों को मिला के भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उससे मिस नहीं करना। अब जो हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें भी मिलेगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो इस डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को करना है, सिर्फ इतना ही टॉपिक है, बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। देन ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होता है, ये है। अब देखो ब्रांच्ड का आपको पता है, जिससे एक से मैनी मोर ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसी को हम ब्रांच्ड पॉलीमर बोलते हैं। यहाँ से भी आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं। देन लीनियर पॉलीमर क्या है, वो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन में है। एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, जिसे हम नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाते और जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक पे मेंशन करना, उस टॉपिक पे फोकस करना जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, ओके, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं आपके मोनोमर एंड रिपीट यूनिट्स, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं, क्लासेस के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के, तो ये टॉपिक भी आपको करना है। जो टॉपिक नहीं करना होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। होमोपॉलीमर है, सिंपल है, को पॉलीमर से क्वेश्चंस बनते हैं। देन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, ये टॉपिक ना आपको कोई नहीं कराएगा। जो नोट्स मेरे यहाँ पे मिलेंगे, जो टॉपिक मिलेगा वो हर कहीं आपको इजीली नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्या होता है, समझाओ, और बच्चे समझा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक पे फोकस नहीं किया हुआ था। तो ये जो वेरी शॉर्ट है, एक एक पेज के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, बट अगर आपको कोई कराएगा, और जब आप ही मेरी एक ही क्लास देख के, मैंने कह दिया बहुत क्लास देखो, इस एक क्लास को देख के और थोड़ा सा समझ के जाओगे ना, तो भी आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे पॉलीमर का, क्योंकि उसमें मार्किंग के बहुत अच्छे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारा होता है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करना है, देन एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी आपको करना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमराइजेशन इन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये भी क्वेश्चन आते हैं और ये लॉन्ग का है। देखो लॉन्ग में आपके, आपको पता है 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 to 5 में 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से हो गए, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक एंड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, और डेफिनेटली आएंगे ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की, ओके। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम काम करेंगे, काफ़ी लॉन्ग है ये, एक लॉन्ग से शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 4 में, जहाँ पे क्वेश्चंस हैं फाइबर्स क्या होता है, कैलेंडरिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग क्या होता है, और ड्राई स्पिनिंग क्या होती है। ये वो टॉपिक है जो आपको किसी ने नहीं कराए हैं। तो यूनिट 4 का क्वेश्चन देखो, फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स इज़ द पॉलीमर विच हैज़ वेरी हाई लेंथ टू डायमीटर रेशो 100:1, ठीक है, यानी कि जिसमें रेशो बहुत ज़्यादा होता है मटीरियल का, एंड इट इज़ कैपेबल फॉर मेल्टिंग एंड डिसॉल्व। और ये जो पॉलीमर है ये मोस्टली मेल्ट हो जाते हैं और डिसॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर इज़ फ्लैक्स, सिल्क, कॉटन एंड वूलन, एंड मैन मेड फाइबर इज़ नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड पॉलीप्रोपिलीन। देखो आप कुछ नेचुरल फाइबर की हम बात करेंगे, जैसे कि नेचुरल फाइबर आपका फ्लैक्स होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, वूलन होता है, यानी कि जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, दैट इज़ नेचुरल। अब कुछ है जिन्हें बनाया जाता है, जो ह्यूमन बींग के थ्रू बनाए गए हैं, वो आपका नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड पॉलीप्रोपिलीन होते हैं, ठीक है। अब फाइबर फॉर्मिंग पॉलीमर की कैसे बनाया जाता है, वो प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे वो प्रोसेस आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, कैलेंडरिंग क्या होती है। तो कैलेंडरिंग को अगर हम समझेंगे, तो कैलेंडरिंग के लिए हमें फोकस करना होता है पॉइंट्स पे, ठीक है। तो कैलेंडरिंग के लिए, कैलेंडरिंग भी प्रोसेस होती है, कैसे होती है, कंटिन्यूसली कैसे फिल्मर्स के थ्रू कैलेंडरिंग करी जाती है, ये टॉपिक आपको समझना होगा। ये इसका एक डायग्राम है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एक बार ट्राई कर लोगे याद हो जाएगा। देन आपका पॉइंट है डाई कास्टिंग प्रोसेस कैसे होती है, तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है, ये भी आपका शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपका शॉर्ट में करना है आपको। देन है ड्राई स्पिनिंग क्या होती है, ठीक है, ये प्रोसेस है, सेम शॉर्ट में करना है। अब आ जाता है मोल्डिंग ऑफ पॉलीमर, बच्चे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपका शॉर्ट में भी आता है। वैसे पॉलीमर बहुत ईजी है, इवन एक यूनिट का मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। और मेरा मानना ये है, एंड पॉइंट पे पूरे बहुत ज़्यादा टफ पे फोकस ना करके, जो ईजी है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। तो इसमें कंप्रेशन आपको करना है, ठीक है, मोल्डिंग ऑफ पॉलीमर में, ये इसके डायग्राम है। देन ब्लो मोल्डिंग, आप मोल्डिंग आपको करना है। रोटेशनल कास्टिंग क्या होती है, ये टॉपिक आपको करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप नोट्स एक अफोर्डेबल से अफोर्डेबल अमाउंट में भी नहीं बाय कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इंजेक्शन मोल्डिंग। अब जो है यूनिट 2 का पॉली डिस्पर्सिटी क्या होती है, ठीक है, पॉली डिस्पर्सिटी को करना है। शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में ही आएगा हमेशा, ठीक है।
क्योंकि मटेरियल कम ही है। अब ये क्वेश्चन है एक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर। ठीक है, तो सिंगल पॉलीमर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन कैसा होता है, इसमें लैमेला कैसे होते हैं, वो प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, ये प्रोसेस है। देन एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इसे क्वेश्चन लिख लेना, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ इस क्वेश्चन को कराऊंगी जिसे हम टीजी बोलते हैं। ये भी आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक को भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको टीजी की करनी है। दैन रिलेशनशिप बिटवीन टीजी एंड टीएमए करनी है, ये आपका वेरी शॉर्ट में, ठीक है, और शॉर्ट दोनों में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीजी एंड टीएम, तो वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीजी भी आपको करना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टीजी यानी कि किस मेथड्स के थ्रू कर सकते हो, इस मेथड का सिर्फ नाम कर लो, उसके लिए एक्स्ट्रा में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं एंड करती हूँ क्लास को, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, आपकी हेल्प हमेशा की जाएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई शब्बा खैर।